देखो वो भी, ये देखो इसके नाटक ज्यादा होते हैं। देखो और मम्मी पहले इसी को डालेगी, ये देखो मेरे कैसे नाटक कर रही है। हेलो भाई, मेरा नाम है रघुवीर। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। देखो भाई, गांव के बच्चे सुबह सुबह मस्त खेलते हैं। अभी 6 का टाइम हो रहा है, देखो सनराइज भी नहीं हुआ, ठीक है 5 बजे उठ जाते हैं। और सुबह सुबह खेलते हैं मस्त। ये देखो क्या पड़े हैं रोड पे, देखिए देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो देखो मस्त पड़ा है। और एक ये सुबह सुबह ही भाई भैंसों को सारा तैयार करना होता है। देखो छुट्टी करने लग गए भाई, इंजन से करते हैं। और भाई सुबह सुबह भैंसों की भूख खुल चुकी है, इंतजार कर रही है, क्योंकि भाई इंजन स्टार्ट होते ही समझ जाते हैं कि चारा तैयार हो रहा है, अब थोड़ी देर में आने वाला है। देखो उधर ही जा रही है, देखो सब वो भी उधर जा रही है। और भाई देखो वो भी उधर ही जा रही है जिधर से चारा आने वाला है, इस गेट से चारा आएगा, सबको इंतजार है। देखो और देखो मम्मी चारा लेके आ रही है, अभी इनको पता नहीं, जैसे पता पड़ेगा देखो ऐसे करेगी। देखो अब देखो ये चक्कर काटने लग गई। अब देखो वो भी कि पहले मेरे को घेरो, पहले मेरे को घेरो, वो भी। और देखो वो भी, ये देखो इसके नाटक ज्यादा होते हैं। देखो और मम्मी पहले इसी को डालेगी, ये देखो मेरे कैसे नाटक कर रही है। देखो अब वो भी इंतजार कर रही है कि मेरे को नहीं डाला। और वो भी ऐसे फेंकती है भाई, ये बहुत शैतान भैंस है। और मम्मी की बहुत प्रिय भैंस भी है भाई ये। अब देखो भाई, मैं इससे सैंडल पहनने कहूंगा, देखो कैसे करेगा। सैंडल पहनो, चलो बिट्टू पैरों में सैंडल पहनो, फिर खेलना। चलो सैंडल पहन के आओ, देखो अब सुनेगा नहीं, अपनी मस्ती में रहेगा। बिट्टू अरे सैंडल पहन लो, देखो बिल्कुल नहीं सुनेगा। अरे कहाँ जा रहा है, सैंडल पहनो सैंडल। देखो इतने शैतान है भाई, बिल्कुल नहीं सुनते, कहने की नहीं मानते भाई। और भाई ये अम्मा के साथ देखो कुट्टी करा रहे हैं।